एक मिनट रुकियो भाई। आदि भाई। हाँ भाई। केकई के बाद वो कौन सी औरत है जो अपने बेटे को राजा बनाने पे तुली हुई है? मैं नहीं बताऊं भाई, इन्हीं से पूछ ले। आप बताना भाई जरूर। तो हाँ जी, कैसे सारे सब बढ़िया? तो यार आज की वीडियो बेसिकली एक व्लॉग नहीं है, इसके बारे में है। एक ऐप है टिकटॉक। हाँ जी, मैं टिकटॉक की बात कर रहा हूँ। तो आप सबने उसका नाम ज़रूर सुना होगा, आप में से कुछ लोग या बहुत लोग उसे यूज़ भी करते होंगे। तो यार देखो, पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि टिकटॉक एक गंदा एप्लीकेशन नहीं है। कुछ लोग हैं जिनकी वजह से टिकटॉक का नाम ख़राब हो रहा है। जैसे कि कुछ वीडियोस आपने देखी होगी, टिकटॉक पे कोई ट्यूबलाइट खा रहा है, हाथ पे नाम लिख रखा है अपना, ब्लेड से काट रखा है। एक्चुअली में ब्लेड से नहीं काटा होता, आप लोगों को भी पता है। तो ऐसी कुछ फनी वीडियोस आज मैं शेयर करूंगा, और कुछ वीडियो शेयर करूंगा जिनको मैं चाहता हूं कि भाई वो ना डलें ताकि टिकटॉक का नाम ख़राब ना हो। बाकी अब सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे बोलने से कौन मान रहा है। अब भाई क्रिएटर्स की मर्जी है फ्रेंड्स। तो बस वीडियो को एंजॉय करना लास्ट तक, और कुछ वीडियो यार मैं एंटरटेनमेंट के लिए इसलिए डालूंगा, कुछ वीडियो मैं अपने हिसाब से इसलिए डालूंगा, एंटरटेनमेंट वाली इसलिए डालूंगा क्योंकि यार लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को स्ट्रेस हो रहा है। बात ये नहीं है कि स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, बात ये है कि यार हाँ स्ट्रेस तो होगा क्योंकि लोगों को इस चीज़ की लॉकडाउन की आदत नहीं है। तो एंटरटेनमेंट वाली वीडियो मैं इसलिए डालूंगा, तो वीडियोज़ को एंजॉय करना और इस वीडियो को लाइक कर देना, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो एंजॉय द वीडियो। यार मैं पर्सनली टिकटॉक यूज़ करता हूँ, और मैं ये नहीं कहता कि यार टिकटॉक एक गंदा एप्लीकेशन है। जैसे कि मैंने बोला, कुछ लोग हैं यार जिनकी वजह से टिकटॉक की एक गलत इमेज बन गई है लोगों के दिमाग में। तो बस ये इमेज क्लियर, ये नहीं कहूँगा कि इमेज क्लियर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, हाँ बट उन लोगों को सामने लाना चाहता हूँ जिनकी वजह से लोगों के मन में, लोगों की मतलब टिकटॉक की गलत इमेज बनी है। मैं खुद पर्सनली टिकटॉक यूज़ करता हूँ। हाँ पता है आपका रिएक्शन कैसे होगा कि भाई क्या है ये रेड लाइट वाली चीज़ है? तो नहीं भाई, लिपस्टिक साड़ी मैं कुछ यूज़ नहीं करता, मेरे घर वाले करने भी नहीं देंगे ये सब यूज़। पहली बात मैं खुद से ही नहीं करूँगा यार, और मैं अपनी भी वीडियो शेयर कर दूंगा तो वो भी देखना, कुछ समझ जाओगे कि मैं किस टाइप के टिकटॉकर हूँ भाई। ठीक है, मैं डब स्मैश की तरह यूज़ करता हूँ टिकटॉकर नहीं हूँ मैं वैसे टाइप का, मैं डब स्मैश की तरह यूज़ करता हूँ टिकटॉक को। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोटो मैं कह सी ना करो, बाहर ना निकली, आटा लेने गई थी सूजी लेके आ। दीपक enemy's head get to the safe zone response nahi de raha banda wanna go form up on me hello form up on me इसी तरह अगर सड़कों पर घूमते रहे तो एक दिन नीचे आके बेमौत मारे जाओगे। उस बाप की आशाओं का क्या होगा जो तुमसे लगा रखी है। हां जी भाई। पाजी आपको स्वैग की फुल फॉर्म पता है? मुझे एक पता है, वो खतरनाक वाली, आप बताओ। मैंने एक अलग बना रखी है। मैंने बना रखी है सी बॉन्ड्स का गुजर। भाई जब से कोरोना आया है हमारी हालत भी मछली की तरह हो गई है इंडियंस की। हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। पिटारा रहता है, माहौल बनता है जोक से। सर बैठे बैठे तो ठीक है, सुनाते हैं। बताइए कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एफ N E N G L I I got it. तो यार पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पे ये रही, और इसे देखो पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ बाद में, बात करता हूँ। या मुझे नाम चेंज करने के लिए एक ऐड देना था। किसका नाम चेंज कराना है? मेरा। आपका? सर नया नाम क्या है आपका? नया नाम विकास भल्ला। विकास भल्ला? यस। एज? 42। व्हाट्स योर ओल्ड नेम सर? दाऊद इब्राहिम। ओके, दाऊद इब्राहिम। हाँ सर याद है, बिल्कुल दाऊद इब्राहिम। कब तक चेंज हो जाएगा? हो रहा है, चल रहा है प्रोसेस में। चलो यार ठीक है, क्रिएटर ने अपना दिमाग लगाया है, जो भी क्रिएटर था आपने इसका टिकटॉक का यूजर नेम तो देख ही लिया होगा कि क्या आ रहा होगा वीडियो के नीचे।
भाई मेरा ओपिनियन ये है कि यार चलो टब किया तो किया, बट यार दिमाग तो लगा था ये बंदा कि यार दाऊद इब्राहिम इंडिया फोन करेगा अपना विक्की बल्ला या जो भी नाम लिया इसने कि भाई नाम चेंज करवाना है, मेरा नाम विक्की बल्ला है। भाई कुछ तो सोचता। दूसरी वीडियो आपकी स्क्रीन पर भी आएगी, देखो दूसरी वीडियो को। It was at this moment that he knew he fucked up. स्पीचलेस एक वर्ड होता है। फिर आते दिमाग की बात की भाई ठीक है कंटेंट की कमी है, मैं खुद कह रहा हूँ मेरे पास कंटेंट की कमी है, अभी लॉकडाउन चल रहा है मैं वीडियोस ढंग की नहीं डाल पा रहा हूँ भाई, बट टिकटॉक एक अलग चीज़ है यूट्यूब से बहुत ज़्यादा, उधर शॉर्ट वो डाली जाती हैं। अब भाई ये वीडियो माई कंप्यूटर्स डिलीट किया, रिसाइकल बिन में गया माई कंप्यूटर्स, ठीक है कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है मुझे पता नहीं है, मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूँ इतना, कंप्यूटर ही डिलीट हो गया, कंप्यूटर गायब हो गया। अबे भाई थोड़ा सा आराम से ढंग से डालो वीडियोस टिकटॉक पे और बढ़ो फॉलोअर्स बनाओ अपने, भाई ऐसे मत करो। अब अगली वीडियो आप देखो। Broken neck prank on my girlfriend. Babe, come crack my neck. भाई ये कंटेंट अच्छा था, अभी तक मैंने दो तीन वीडियो के बारे में बोला कंटेंट ढूंढो कहीं से, ये कंटेंट अच्छा था भाई, बट ये बात सोच कि यार तेरा इतना सा झटका देने से गर्दन टूट गई, ठीक है कंटेंट अच्छा है बट यार वीडियो में एक स्क्रिप्टिंग भी होती है कि हाँ यार ऐसे करना है, बट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं हर वीडियो में बुराई निकाल रहा हूँ, मैंने पहली वो बोला कि ये वीडियो किसी भी हेट्रेड फैलाने के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। तो अगली वीडियो आपकी स्क्रीन पर और देखिए वीडियो। लॉकडाउन में पिज्जा कहाँ मिलेगा बोल के बताइए। दाल रोटी बना और खा ले उसके बाद सो जा भूत निके। भाई ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर है टिकटॉक पे, नहीं आप सबको पता होगा कि ये जो भैया है या फिर अंकल है, मेरे को इनकी एज नहीं पता तो भैया ही रेफर कर लेते हैं, कि ये जो भैया है ये भाभी जी घर पर है एक सीरियल आता है, भाई मेरा बहुत लाइक करता हूँ सीरियल को, और ये उनके एक एक्टर हैं उनके क्रू में से हैं। तो ये तो सिर्फ वीडियो मैंने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए शेयर की थी कि बताइए जो भी था, अगली वीडियो आप देखिए। ये देखो ये हमारे छत की टंकी है, मैं इसके अंदर दिखाता हूँ आपको क्या है, आप कभी भी अपनी छत पे जाएं तो अपनी टंकी ज़रूर साफ करें, टंकी के अंदर जो है ना कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है कि खुल क्यों नहीं रहा है, थोड़ा टाइट। यार ये वो हंसी नहीं आती इन लोगों पे, ये वो लोग हैं जो फॉलोअर्स गेन करना चाहते हैं, ये नहीं कहूँगा कि फॉलोअर्स ही भूखे हैं, हाँ बट इन्हें रियाज या फिर टिकटॉक का कोई भी स्टार है जिसको भी मैं फॉलो करता हूँ, अवनीत कौर या फिर सिद्धार्थ निगम जैसे बनना चाहते हैं, और ये यार लास्ट वीडियो तक कैप्शन में लिख देंगे कि वीडियो लास्ट तक देखना, सस्पेंस इतना बना देंगे कि व्यूज बहुत दबा के आएंगे। और यार मुझे एक बात समझ नहीं आती कि यार तुम लोग अगर ये मेरी वीडियो किसी व्यूज तक जाती है जो टिकटॉक चलाता है, तो मेरे को ये बात समझ नहीं आती कि यार तुम लोग इसकी वीडियो को ऐसी वीडियो को लाइक क्यों करते हो। भाई इस वीडियो पे मैंने देखा तो शायद 5-6 लाख लाइक्स थे, हजार बोलने वाला था 5-6 लाख लाइक्स थे। स्पीचलेस लिटरली यार टिकटॉक कई बार मेरे को स्पीचलेस कर देता है। अब अगली वीडियो में शेयर करता हूँ देखना। ओए कॉर्नफ्लेक्स वाला बैटल आ रहा है आप यार, वो सारे था कुत्ती वाला, वो बियां डाल रहा था सिर्फ की कुत्ते वाला की बंदे वाला हाथ पा, वो सारा इंफेक्शन हो गई तू मोटे से चल फिर चाक पी ले। यार एक होती है क्वालिटी पसंद होती है लोगों को, ठीक है पैसे नहीं है बट क्वालिटी नाम की एक चीज़ होती है यार, कॉर्नफ्लेक्स जैसे कि मैंने सुना हो जैसे भी कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं
घर ले जाने के लिए कॉर्नफ्लेक्स खाने, उन्हें घर ले जाके अपने इंसानों के कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाने तो कुत्ते के उठा लो भाई, क्या बात है, नहीं क्या बात, क्या है ये। एक लेवल मेंटेन करना होता है कि इंसान होते हैं, इंसान की चीजें खाओ, कुत्तों की जानवरों की चीजें मत खाओ, जानवरों की चीजें जानवरों के लिए ही छोड़ दो, रिक्वेस्ट है भाई मत करो। वैसे लॉकडाउन चल रहा है, उनके लिए खाने की कमी हो रही है। नेक्स्ट वीडियो शेयर करता हूँ, देखना नेक्स्ट वीडियो। ये फिर से वही लोग हैं जिनकी मैंने बात करी थी भाई, क्या बोलूं मैं, करा क्यों उसने, नहीं मैं ये पूछना चाहता हूँ इससे, इसने करा क्यों भाई, कुछ और ही कर लेता ढंग का। टिकटॉक की मार्केट में इतना अच्छा कुछ कंटेंट है, कुछ ढंग का ही कर लेता भाई, पर नहीं, इन्हें आफत पहुँचानी टिकटॉक पे। दूसरी वीडियो देखो, दूसरी नहीं मतलब अगली वीडियो देखो, स्क्रीन पर आपके आ जाएगी अभी। बस करना, कितना तारीफ करेगा, हाँ वो तो मैं स्मार्ट हूँ, वो तो मैं हॉट हूँ, वो तो मैं क्यूट हूँ, थैंक यू सो मच, बस करना करना, बस कितना तारीफ करेगा, बस करना रे, कितना तारीफ करेगा, करता ही जा रहा, तुम लोग तारीफ करते मेरी जान ले लिए, करना है तो आराम से करो, धीरे धीरे तारीफ करो, होले होले तारीफ करो, थैंक यू सो मच, तुम्हारे जैसे बंदे आ गए ना, पता नहीं क्या भाई, नहीं क्या इसके बारे में तुम खुद कमेंट में बोलो, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं स्पीचलेस हूँ लिटरली। हाय गाइस, आई एम सन्नी लियोनी, मैं स्पीचलेस हूँ भाई, मैं कुछ नहीं बोल सकता, मेरे पास शब्द ही नहीं बचे। तो यार इतनी सारी वीडियो शेयर कर दी, वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो गई मेरे को पता है, तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। व्लॉग यार जैसे कि मैंने बोला कंटेंट नहीं है, बट हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ मिले और मैं वीडियो डालूँ, तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। सो बाय गाइस।